हेलो गाइस, मैं रचना। थोड़ा सारिआं दा इस चैनल दे विच बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आप अपनी पिछली क्लास दे विच कीते सी शब्द चिन्ह अते आप उस नाल रिलेटेड हुण करन जा रहे हां पैराग्राफ, जिसदे विच वाकंश वी अते शब्द चिन्ह दोवे ही आणगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ए है तुहाडे सामने एक पैरा। लाहौर एक बहुत मशहूर शहर है। सरदार उधम सिंह ने लाहौर तो विद्या हासिल की डंडी। सरदार उधम सिंह का नाम किसी ने नहीं सुनिया होया डंडी। वह सिख्यार्थी समय विच ही आज़ादी के संग्राम विच जुटे हुए सन डंडी। उन्होंने आज़ादी की शमा रोशन की डंडी। अगला पैरा, एक समागम किया गया जिस विच सरदार उधम सिंह ने छोटी जिही स्पीच विच उन्हां साथियों पासों अस्तीफे की मांग की, जेड़े देश लई जाना वारनों असमर्थ सन। उसने आज़ादी दे समर्थक सूरबी साथियों दे संगठन की तजवीज़ पेश की डंडी। आज़ादी दे संग्राम दे फलस्वरूप ही देश की आज़ादी हासिल की गई डंडी। गाइस, हुण आपां करांगे पैराग्राफ स्टार्ट। रूल्स सेम, सब तो पहला सेंटर तो लाइन। पैरा स्टार्ट करांगे डबल लाइन स्टार्ट। लाहौर एक बहुत मशहूर शहर है। डंडी इकट्ठा सारा आपां वाकंश कीता सी। सरदार उधम सिंह इकट्ठा ही आएगा, उधम सिंह ने लाहौर तो विद्या हासिल की डंडी। सरदार उधम सिंह दा ना किसे ने नहीं सुनिया होया डंडी। ओहो सिख्यार्थी समय विच ही आज़ादी दे संग्राम विच जुटे होए सन डंडी। उन्होंने इकट्ठा आज़ादी दी शमा रोशन कीती डंडी। नेक्स्ट पैरा सेम ओही रूल डबल लाइन। जदों भी आपां पैरा स्टार्ट करना है जिवें इत्थे कीता सी डबल लाइन, इत्थे भी डबल लाइन। एक समागम कीता गया इकट्ठा जिस विच फिर इकट्ठा उधम सिंह ने छोटी शब्द चिन्ह जेही शब्द चिन्ह स्पीच विच उन्ना साथियां पासों अस्तीफा शब्द चिन्ह दी मंग कीती, जेड़े शब्द चिन्ह देश लई जाना वारनों असमर्थ शब्द चिन्ह सन डंडी। उसने इकट्ठा आज़ादी दे समर्था सूरबीर शब्द चिन्ह साथियां दे संगठन दी तजवीज पेश कीती डंडी। आज़ादी दे संग्राम दे फलस्वरूप शब्द चिन्ह ही देश दी आज़ादी हासिल कीती गई इकट्ठा डंडी। गाइज, ये पैराग्राफ भी अपना एक पेज से ही आ गया। जे अपना इस तो अगे आता है तो आप इस साइड नहीं लिखना,
ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੈਰਾ। ਆਹ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਡੰਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।